हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्नैपचैट यूजर्स हैं, स्नैपचैट को आप यूज करते हो और आपके साथ में प्रॉब्लम आ रही है कि आप जैसे ही अपने स्नैपचैट को अब लॉगिन करना चाह रहे हो तो वहां पर आपको एक एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ डिस्प्ले पर आप देख सकते हो ये सेम एरर आपको शो हो रहा होगा। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्नैपचैट को लॉगिन कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ये जो एरर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एरर आपको शो हो रहा है ये क्यों शो हो रहा है और ये प्रॉब्लम आपके अकाउंट के अंदर क्यों आई है। उसके बाद में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्नैपचैट यूजर्स हैं और स्नैपचैट को आप काफ़ी टाइम से यूज़ करते थे और जैसे ही आप अब लॉगिन कर रहे हो अपने स्नैपचैट अकाउंट को तो वहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है, आपका जो है ना अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये आपसे ही गलती हुई है। हम गलती यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमारे यूज़र नेम सही से याद नहीं होता है या फिर हमें पासवर्ड याद नहीं होता है और हम 4 से 5 मरतबा इस चीज़ को गलत गलत ट्राई कर लेते हैं तो ऐसे में यहाँ पर स्नैपचैट की जो टीम होती है उसको पता चल जाता है कि आपके अकाउंट को कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर हमें हमारा अकाउंट और हमारा जो है ना यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ पता होगा तो हम एकदम से कर लेंगे, फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाएंगे तो सेकंड टाइम में तो कर ही लेंगे। लेकिन जब 4-5 मरतबा ऐसा हो जाता है तो स्नैपचैट टीम को ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट को कोई दूसरा पर्सन खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर होता क्या है कि स्नैपचैट की जो टीम होती है वो हमारे अकाउंट को टेम्परेली लॉक कर देती है या फिर टेम्परेली डिसेबल कर देती है। यही सेम चीज़ आपके साथ में हुई है, या तो आपने बहुत ज़्यादा मरतबा यहाँ पर लॉगिन करते समय अपने पासवर्ड को गलत डाला या फिर आपने यहाँ पर जो है ना अपने यूज़र नेम को गलत डाला और 4 से 5 मरतबा आपने उसको ट्राई किया। अब ऐसे में यहाँ पर आपको टेम्परेली लॉक कर दिया गया या फिर टेम्परेली डिसेबल कर दिया गया आपके अकाउंट को। अब इसको यहाँ पर सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। अगर आप ये चाहते हो कि हमारा अकाउंट जो है ना चालू हो जाए तो वीडियो को बिना स्किप किए बस एंड तक देखें। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपने क्रोम ब्राउज़र में गूगल को ओपन किया, उसके बाद में हमने यहाँ पर सर्च बार में लिखा स्नैपचैट सपोर्ट। इसी तरीके से आपको भी अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाकर के गूगल को ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है स्नैपचैट सपोर्ट। आपके सामने यहाँ फर्स्ट वाला जो यहाँ पर ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है स्नैपचैट सपोर्ट, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, आपके सामने भी ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट अस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ सबसे ऊपर से सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हो आई कांट एक्सेस माई अकाउंट, सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करने के बाद में नीचे में भी ऑप्शन खुलेंगे, उसके बाद में आप सबसे नीचे देखिए, उसके ऊपर देखिए और उसके ऊपर थर्ड नंबर पर, सबसे नीचे से थर्ड नंबर पर आई डोंट हैव माई लॉगिन वेरिफिकेशन कोड, आई डोंट हैव माई लॉगिन वेरिफिकेशन कोड, इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा सा और पेज खुल जाएगा, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, उसके बाद में दो ऑप्शन नीचे में दिखाई देंगे यस और नो, आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद में लोडिंग होगी थोड़ी सी, यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद में उसके बाद में यहाँ आपके सामने कुछ और इंटरफेस खुल करके आएगा। तो अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग के फौरन बाद आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर प्रोसेसिंग होने देनी है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एक पेज खुल करके आएगा, उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखिए प्रोसेसिंग होने के बाद में ये पेज यहाँ पर आ गया है, इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अब ये आपसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ मांग रहा है, जो आपका स्नैपचैट का यूज़र नेम है वो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर डालेंगे, उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है, अब ईमेल आईडी आपके पास में जो भी हो वही डाल दो, ये ज़रूरी नहीं है कि स्नैपचैट वाली ही ईमेल आईडी चलेगी, कोई भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, बस वो चालू होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू होना चाहिए,
और फोर्थ नंबर पर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो आपको समझना होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ लिख करके दिखा रहा हूँ, आपको सेम ये चीज़ लिखनी है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये लिखने के बाद में ऊपर में ये तीनों चीज़ें अपना डालने के बाद में यूज़र नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और नीचे में आप ये डालेंगे ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है सेम, इसको लिख लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है येलो में, येलो कलर में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेंड का, तो सेंड पर क्लिक करेंगे। और सेंड पर क्लिक करने के बाद में आप जो ना वेट करेंगे 24 घंटों का, 24 घंटे के बाद में आपकी जो ये आपने जो रिपोर्ट की है स्नैपचैट टीम को, ये आपकी इस रिपोर्ट को चेक करेंगे और फिर ये यहाँ पर आपके अकाउंट को सही कर देंगे। 24 घंटे तक अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है आपको, 24 घंटे के बाद में लॉगिन करके देखना है आपका अकाउंट सही हो जाएगा इस रिपोर्ट से ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।